प्रदेश में बिजली कटौती के आरोपों पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी बिजली की कटौती नहीं की जा रही है, ये महज मानवीय भूल या फिर तकनीकी कारणों से ही ट्रिपिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि बिजली की ट्रिपिंग को विपक्ष बिजली कटौती का नाम देकर साजिश रच रहा है, जबकि बिजली लाइनों को बदलने और अन्य तकनीकी काम ना होने के चलते ऐसे हालात बन रहे हैं। गिरीश गौतम ने कहा कि सदन के संचालन में प्रतिपक्ष की भी अहम भूमिका होती है, लेकिन विपक्षी विधायक लगातार हल्ला मचाकर सदन को प्रभावित करते हैं, जिससे जनता में गलत संदेश जा रहा है। आने में बिजली के मामले वापस होना ही नहीं है, ये दो तीन कारणों से हुआ है। एक तो जो हमारी वायर लाइनिंग जो है, वो आप अंदाजा करिए वो 40 साल या 35 साल पुरानी हो गई ना, आज की थोड़ी है। उनकी कैपेसिटी उसको ट्रांसमिशन करने की शायद कम हो गई है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। जो सरकार करने जा रही कर ही रही है, उस कटौती नहीं हो रही है, वो ट्रिपिंग होती है। जो ट्रिपिंग का वो इसका एक तो ह्यूमन फॉल्ट अपन समझ सकते हैं या टेक्निकल फॉल्ट भी समझ सकते हैं। प्रदेश में कोयला संकट के बीच पावर जनरेटिंग कंपनी की कई इकाइयां बंद पड़ी हैं। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की 4 में से 2 यूनिट आधी क्षमता के साथ ही चल रही हैं। प्लांट के स्टॉक में 70,000 मीट्रिक टन कोयला ही बचा है, जो रोजाना 16,000 मीट्रिक टन की खपत के हिसाब से अगले 5 दिन में खत्म हो जाएगा। प्लांट के अधिकारी का कहना है कि ओपन कास्ट में पानी भर जाने के चलते कोयला आने में दिक्कत आ रही है। खंडवा के इंदिरा सागर बांध समेत कई बांधों में पानी की कमी के चलते भी जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पा रहा। वहीं दूसरी तरफ कोयला संकट से जूझ रही थर्मल इकाइयां भी बंद पड़ी हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो प्रदेश में बिजली का संकट गहरा सकता है। WCL और SCCL से तो वहां से कोयला आ रहा है। अब क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम से अभी ओपन कास्ट माइंस में पानी भर गया है, तो बहुत सारा अभी प्रॉब्लम आ रहा है उसके कारण, पर शीघ्र शीघ्र प्रॉब्लम दूर होगी और हमको कोयला अच्छी मात्रा में मिलेगा। कि समय आने पर कोयले की पूर्ति आपूर्ति की जाएगी और बिजली का उत्पादन सुचारू रूप से पूर्ण रूप से चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, जो भुगतान वाला मामला है वो संज्ञान में उनके, और भुगतान भी होगा और कोयला भी आएगा।